दोस्तों, कितनी बढ़िया दाल बनकर के तैयार हो गई है। अब ये दाल कहें या इसको सब्जी कहें, मतलब दोनों सब्जी और दाल दोनों का ही इसमें टेस्ट आएगा आपको। राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग एक दाल बनाने जा रहे हैं और हेल्दी और पौष्टिक रहेगी वो। तो किस चीज की दाल है? ये है आप मसूर, और मसूर की दाल बनेगी आज। और इसको हम लोग जो है एक अलग तरीके से बना रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे बनेगी ये दाल। ये देखिए हमने जो है प्याज ले लिया है, ये दो बड़ी प्याज ली हैं, और लहसुन ले लिया है, और ये मिर्ची ले ली है। और क्या क्या चाहिए हमको वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये लौकी है, हमने आधी लौकी ले ली है बड़ी वाली, और उसको छील करके और काट लिया है। दो बड़े आलू ले लिए हैं हमने, सबको कट करके रख लिया है। आइए अब आगे का प्रोसीजर बताता हूँ कि कैसे बनेगी ये दाल। ये देखिए दोस्तों, प्याज लहसुन और मिर्ची को हमने पीस लिया है, एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। देखिए दोस्तों, तेल गरम हो गया है, एक कढ़ाई में हमने तेल निकाल लिया है, तेल गरम भी हो गया है। इसमें जीरा डाल दिया है एक छोटा चम्मच, और छोटा चम्मच सौंफ का डाल दिया है हमने, और आधा चम्मच अजवाइन डाल दिया। इसको जो है क्रश करके डालिए, इससे अच्छी खुशबू आती है। आधा तेज पत्ता डाल दिया है इसमें, एक छोटा चम्मच, दो चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, और ये जो प्याज और लहसुन का हमने पेस्ट बनाया था उसको डाल दे रहे हैं, और इसको बढ़िया से भून लेते हैं। और इसको अच्छे से जो है थोड़ा सा, बिल्कुल दो चम्मच पानी डाल करके इसको अच्छे से भून लेते हैं। एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है एक कटोरी में हमने, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला, 1.5 चम्मच सब्जी मसाला। ये देखिए तेल भी इसमें छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें ये ही सारे मसाले डाल करके अच्छे से भून लेते हैं फिर से एक बार। एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये देखिए बढ़िया से हो गया है, इसको अच्छे से भून लेते हैं। भून गया है ये मसाला हमारा, इसमें सब्जी डाल करके बढ़िया से इसको पका लेते हैं। ये देखिए मसाला हमने इसमें भीगना वो करना शुरू कर भून रहा है, मसाला और लौकी और आलू। इसी में ही अब आप थोड़ी सी ये जो दाल थी इसको भी धुल करके डाल दीजिए, इसको भी भून लीजिए अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से सभी कुछ डाल करके एक साथ आप इसको भून लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छे से भुंज गई है दाल, सब्जी, सब कुछ। और इसको जो है अब कुकर में डाल करके अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए इसमें पानी मिक्स कर लेते हैं। तीन ग्लास पानी डाल दिया है इसमें, और एक बार इसको अच्छे से चला करके गैस पर चढ़ा देते हैं।
आप अपने हिसाब से स्वादानुसार नमक मिला लीजिए इसमें, आप लोग जितना पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा खाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो है नमक मिक्स कर लीजिए इसमें। अब इसको ढक करके जो है इसको पका लेते हैं हम लोग। दोस्तों कितनी बढ़िया दाल बनकर के तैयार हो गई है। अब ये दाल कहें या इसको सब्जी कहें, मतलब दोनों सब्जी और दाल दोनों का ही इसमें टेस्ट आएगा आपको। और आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है उसको आप दबा दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर रसोई दारिन शिल्पा पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइए। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।